राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ गया। राजेंद्र प्रसाद जी ब्राह्मण थे, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद जी ब्राह्मण थे, लेकिन राजकुमार शुक्ला भी तो ब्राह्मण था कि नहीं था। लेकिन उसके नौकर ने, राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर ने, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति रहे थे, उनके नौकर ने राजकुमार शुक्ला उनके साथ आए हुए गांधी जी को कुएं से पानी नहीं भरने दिया। समझ रहे हो बात को? मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, उसके पीछे समझना लॉजिक। आप कहते ना समाज में छुआछूत है, छुआछूत काय की वजह से और क्यों है, उस पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। राजकुमार शुक्ला भी तो ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी पानी नहीं भरने दिया उसको। और गांधी जी कौन थे? बनिया थे, उनको भी पानी नहीं भरने दिया, कुएं पे नहीं चढ़ने दिया। इसका मतलब उस नौकर के दिमाग में उनकी छवि ब्राह्मण या बनिया की वजह से नहीं, बल्कि काय की वजह से थी कि ये किसान है, ये गरीब किसान है। तो छुआछूत जो बड़ी ना, उसका मुख्य कारण जाति नहीं, गरीबी थी, और वो काम था जिस काम को लोग कर रहे थे। तो यहां किसान को, यदि आप वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो वर्ण व्यवस्था में जो किसान है ना, किसान किसान है, पशुपालक है, मजदूर है, शिल्पी है, कारीगर है, नौकरी करने वाला है, इन सभी वर्गों को आपने बिल्कुल चौथी कैटेगरी में रखा है। समझ रहे हैं बात को? और उसी कैटेगरी का पालन कर रहा था राजेंद्र प्रसाद जी का वो नौकर, जबकि उसको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं भी तो नौकर हूँ, मैं तो जिन्हें की बरादरी का हूँ, लेकिन उसने उनको पानी नहीं पीने दिया। तो समझ लीजिए कि देश आज़ाद हुआ उससे पहले क्या व्यवस्थाएँ थी समाज की, कि आप इंसान इंसान के बीच में भेद कर रहे थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब से संविधान लागू हुआ है, आपने इस बात को समझा है, और अब आप कोशिश करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था फिर दोबारा हमारे देश में उत्पन्न ना हो।